Hi guys, hi, hello, namaste, welcome back in my channel with Be Perfect with Nisha and hi, I am Nisha here. So कैसा लगा ये लुक? Hope आप सभी लोगों को ये लुक अच्छा लगा होगा. एंड यहाँ पे मैंने बहुत मेहनत से वीडियो क्रिएट किया है गाइस, तो प्लीज़ आप इसे पूरा ज़रूर देखना. तो लेट्स स्टार्ट करते थे हम. सबसे पहले मैं अप्लाई करूँगी सनस्क्रीन, बिकॉज मैं ऐसी लड़की हूँ ना, जो मैं बिलीव करती हूँ जितना मेरे पास है उसी से मैं अच्छे से अच्छा मैं करूँ. सो डोंट बी नेगेटिव गाइज कि एक ही प्रोडक्ट तुम लोग बार बार क्यों यूज़ करते हो करके. सनस्क्रीन आपके पास जो है वो अप्लाई कर सकते हो. उसमें मॉइस्चराइज़र था तो मैंने इसीलिए मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं किया एंड लिप बाम लगा दिया. एंड ये सीरम जो है ये बहुत ही अफोर्डेबल है, आप परचेस कर सकते हो अगर किसी का बजट कम हो तो. ये जो सीरम का वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हो. एंड मैं आई बटन पे यहाँ पे वीडियो दे दूँगी. एंड इसको क्या करना है, जस्ट फ्री ड्रॉप्स आपके फेस पे लेने हैं एंड बहुत अच्छे से मसाज करके लगा लेना है. ये क्या होता है, अगर आप मॉइस्चराइज़र नहीं भी लगाते, सीरम लगाते हो ना, ये बहुत हाइड्रेट करता है आपके स्किन को. मैंने खुद ने यूज़ किया है इसीलिए आप लोगों को मैं रिकमेंड दे रही हूँ. और बिना कोई यूज़ किए मैं आपको कोई रिकमेंडेशन मैं ऐसे ही नहीं देती हूँ. तो ये था वो मॉइस्चराइज़र जो मैंने नहीं अप्लाई किया. अगर आपको अप्लाई करना है तो स्टार्टिंग में अप्लाई कर लेना. नाउ ये पॉन्स का बीबी क्रीम यहाँ पे मैं ले रही हूँ और इसको अच्छी तरह फेस पे मैं डॉट डॉट करके अप्लाई कर दे रही हूँ. एंड वेट स्पंज की हेल्प से मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी. तो जब आप ब्लेंड करोगे ना तो आप देख सकते हो इसका जो ये है ना टेक्स्चर, एंड ब्लेंड भी बहुत अच्छे से होता है. थोड़ा सा वाइटनेस इसमें आ जाता है, लेकिन अगर आप कोई अच्छा सा मेकअप लुक करना चाहते हो, कहीं आपको बहुत ही अच्छे से दिखना है ब्राइट, तो ये चलता है राइट. अगर आपके स्किन का सूटेबल फाउंडेशन है आपके पास तो आप वो भी लगा सकते हो, अदरवाइज़ ये भी सही रहता है. ओके बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है एंड इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. नाउ नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं जो रहने वाला है मेरा ब्राउज. तो ब्राउज के लिए मैंने एकदम डिटेल वीडियो दे दी है कि कैसे आपको ड्रॉ करना है एंड एवरीथिंग. प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आप ऐसे भी बोल सकते हो. तो क्या है, यहाँ पे मैंने डिटेल वीडियो दे दी है, वो आप देख लेना एक बार. एंड यहाँ पे मैंने वीडियो को क्लिप को इसीलिए फास्ट कर दिया है ताकि वीडियो लेंथी ना हो, क्योंकि कोई भी मोस्ट ऑफ मेकअप लुक्स जो होते हैं, अगर ब्राइडल मेकअप लुक या थोड़ा हैवी मेकअप लुक, वो ऑलमोस्ट बहुत लंबा जाता है. उसको वीडियो एडिटिंग करके एंड उसको लेके आने में बहुत छोटा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है गाइज, बहुत ज़्यादा. एंड उसमें बातें करना, इधर उधर देखना एंड उसके बाद भी सारे सामान को रखना, ये सब बहुत डिफ़िकल्ट होता है. तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा. एंड यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का कंसीलर. ये जो कंसीलर, ये बहुत ही अच्छा कंसीलर है, बहुत ही अच्छा कवरेज भी दे देता है. ओके लेकिन इस कंसीलर के लिए आपको बेस परफेक्ट चाहिए. अगर बेस परफेक्ट नहीं है तो ये कंसीलर थोड़ा क्रैकी हो जाता है, जो आपने अप्लाई किया होगा फाउंडेशन वो भी थोड़ा क्रैकी हो जाएगा. तो ये अच्छे से यहाँ पे मैं ब्लेंड कर ले रही हूँ. देखो कितने ब्यूटीफुल ब्लेंड हुआ है एंड जो ब्राउस हमने फील किया था वो कितना ज़्यादा अच्छा दिख रहा है अभी. या नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं. जो हमने कंसील किया है उसको सेट करना ऑब्वियसली. तो यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज़ कर रही हूँ एंड ब्रश का यूज़ कर रही हूँ इसको अप्लाई करने के लिए. एंड जब आप फुल फेस पे अप्लाई कर लेते हो कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज़ पाउडर, तो आपका फेस एकदम जो होता है वो पैक हो चुका होता है जो भी आपने अप्लाई किया. तो नेक्स्ट स्टेप इज़ क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा मैं ब्राउज को और थोड़ा कॉम कर रही हूँ ताकि थोड़ा और डिफाइन दे दे ये स्पूली की हेल्प से. तो ये आप ब्लेंड करेंगे तब क्या होगा, स्पंज की हेल्प से इधर उधर थोड़ा सा लग जाता है, तो उसकी वजह से क्या, एक थोड़ा सा और एक्स्ट्रा डिफाइन देने के लिए ये यूज़ कर रही हूँ. या फिर ये स्टेप आप ना करो तो भी आपको चलेगा. एंड नेक्स्ट इज वॉट, ये सेम पैलेट में से, ये एक ही पैलेट में से मैं अभी लेके, मैं जो पूरा मेकअप है इस एक पैलेट में से ही मैं करने वाली हूँ. तो यहाँ पर मैंने पिंक शेड ले लिया एंड आई एम ड्रॉइंग द क्रीज. तो यहाँ पे दोनों आइज के मैं क्रीज अच्छे से ड्रॉ कर लूँगी. अच्छे से ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा डार्किश ग्रे शेड में है. तो जो ग्रे शेड है वो मैं क्या करूँगी, अपने आउटर कॉर्नर पे
लगा लूँगी, उसको मैं अच्छे से लगा लूँगी इनर कॉर्नर पे, एंड यहाँ पे हाथ से भी लगा सकते हो आप, तो अच्छे से ब्लेंड नहीं हो रहा था लाइक ब्रश की हेल्प से, सो इसीलिए मैं हाथ से भी लगा रही हूँ। एंड जो भी अगर फॉल आउट है तो उसको क्लीन कर लेना, कंपलसरी क्लीन कर लेना ब्रश की हेल्प से। एंड नेक्स्ट स्टेप इज हम करेंगे जो मैंने दिखाया गोल्डन शेड, तो गोल्डन शेड लेकर जो बीच में एकदम मिडल ऑफ आपको दिख रहा होगा लाइक वाइट, वहाँ पे हमको फिलअप करना है गोल्डन शेड, क्योंकि मेरा आउटफिट के साथ पिंक एंड येलो एंड गोल्डन शेड में ज़्यादा मैच होता है, तो इसीलिए। एंड इसको अच्छे से यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे अपने लीड पे, आप हाथ से भी अप्लाई कर सकते हो, ब्रश की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हो, क्यों कभी कभी ब्रश की हेल्प से अप्लाई नहीं भी होता है। एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट जो आई मेकअप लुक है वो डन हो चुका है। इनर कॉर्नर को हाईलाइट ज़रूर कर लेना ताकि आपकी जो आईज है वो बहुत ही अच्छे से लिखे, हाईलाइट होवे। एंड हुडा ब्यूटी के यहाँ पे आईलाइनर ले रही हूँ मैं, ये आईलाइनर अच्छे से मैं अप्लाई कर लूँगी। इट्स मैं बोलूँगी एवरेज, बिकॉज इतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं है, इतना ज़्यादा भी बुरा नहीं है। एंड नेक्स्ट स्टेप इज़ अ मस्कारा, या नाउ काजल अच्छे से अप्लाई करना है, ये एवर ब्यूटी का काजल है, तो काजल जब अप्लाई करोगे ना आपकी जो आई लुक है वो कंप्लीट हो जाता है। एंड ब्लश विथ सेम पैलेट जो मैंने वैसे बोला था कि एक ही पैलेट की हेल्प से पूरा मेकअप लुक मैं करने वाली हूँ, तो कॉन्टर विथ सेम पैलेट, कॉन्टर शेड लेकर आपको कॉन्टर ब्रश लेकर अच्छे से कॉन्टर कर लेना है, एंड दैट्स दैट। नोज कॉन्टरिंग थोड़ी एंड फोरहेड भी कर लेना। एंड नाउ यहाँ पे मैं कर रही हूँ हाईलाइट फैन ब्रश की हेल्प से। एंड ब्रशेस के भी रिव्यू मैंने मेरे चैनल पे दे दिए हैं, तो अगर ब्रशेस परचेस करना है तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना। एंड यहाँ पे फोरहेड पे, नोज के ब्रिज पे, यहाँ पे सब जगह हाईलाइट करने के बाद लिपस्टिक, माय टॉप फेवरेट 5 लिपस्टिक्स में ये भी एक लिपस्टिक ही था, या एंड इसको अच्छे से अप्लाई करूँगी। पिंक इन शेड है, नॉट गोइंग टू मैच माई साड़ी, बट इट्स ओके, पिंक की शेड है, लाइक मेरा लुक इज डन। यहाँ पे ये जो है ये चूड़ा का ये साइड बैंगल था एंड बीच में एक पिंक कलर का बैंगल डाल के इसको मिसमैच कर लिया है। एंड बालों का आप जैसे चाहो वैसे सेट कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे मैंने राउंड राउंड फोल्ड करके रख दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट ज़रूर करना, लाइक वीडियो को एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे।